तो बेसिकली आज की इस वीडियो में मैं यहाँ पे रिव्यू देने वाला हूँ एक वीडियो एडिटिंग एप्लीकेशन का। और जैसा कि आपको पता है, इस चैनल पे मैं एटलीस्ट कोई से भी नॉर्मल से एप्लीकेशन का मैं यहाँ पे रिव्यू नहीं देता हूँ, यानी कि इस एप्लीकेशन में कुछ ऐसे प्रो फीचर्स हैं जिनके बारे में मैं आपको शेयर करने वाला हूँ इस वीडियो पे। और अगर बात करते हैं अगर पेड प्रमोशन या स्पॉन्सरशिप वीडियोस की, तो ये कोई पेड प्रमोशन वाला वीडियो नहीं है। तो यानी कि इस वीडियो के जरिए मैं आपको बताना चाहता हूँ इस एप्लीकेशन के कुछ ऐसे फीचर्स के बारे में, ताकि आप भी जब भी वीडियो एडिटिंग करें तब आप इस एप्लीकेशन का इस्तेमाल जरूर करें। सो हे गाइस, आई एम योर बडी संदीप साहा एंड यू आर वॉचिंग टेकी संदीप। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सिंपली एप्लीकेशन ओपन करने के बाद आपको कुछ इस तरीके का यूआई देखने को मिलेगा। आप सिंपली फ्रॉम कैमरा से डायरेक्टली वीडियो को शूट करके आप उसे एडिट कर सकते हैं, या फिर सिंपली फ्रॉम लाइब्रेरी पे जाके आप वीडियो फाइल्स को, रिकॉर्डेड वीडियो फाइल्स को सिलेक्ट करके आप उसे एडिट कर सकते हैं। तो सिंपली मैं यहाँ पे कोई सा वीडियो फाइल चूज कर लेता हूँ। चूज करने के बाद आपको इस बटन पे आपको यहाँ पे टैप करना पड़ेगा। तो जैसे आप इस पर टैप कर देंगे, आपको जो वीडियो फाइल्स है वो यहाँ पे ऐड हो जाएंगे। अब आपको क्या करना है, आप यहाँ पे टेक्स्ट मोड पे जाना है। टेक्स्ट मोड पे जाने के बाद आपको कई सारे प्री लोडेड टेक्स्ट मोड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, जो कि काफ़ी बढ़िया होता है और आपके वीडियो के लिए काफ़ी अच्छे से एक लुक प्रोवाइड करता है। सिंपली आप इस टेक्स्ट मोड का इसे इस्तेमाल कर सकते हैं अपने वीडियो के लिए। तो आप चाहे तो इन टेक्स्ट मोड के जो टेक्स्ट है उसे भी आप कलर जो है उसको चेंज कर सकते हैं, और चाहे तो उसका बॉर्डर कलर, शेडो कलर या फिर बैकग्राउंड कलर, वो भी आप यहाँ इसके थ्रू चेंज कर सकते हैं। और चाहे तो आप जो टेक्स्ट है उसका फॉन्ट स्टाइल भी आप उसे चेंज कर सकते हैं। आपको कई सारे फॉन्ट स्टाइल आपको फ्री में मिल जाते हैं प्री लोडेड, जिसके जरिए आपका जो वीडियो है और भी आपका वीडियो जो है वो अच्छा देखने को मिलेगा। चाहे तो आप जो भी आपका मन करे, आपका मन मतलब आपको जितने पसंद है, आप वो यहाँ पे टेक्स्ट स्टाइल आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट फीचर की तरफ, वो है स्टिकर। आपको इस वीडियो एप्लीकेशन पे कई सारे प्री लोडेड एनिमेटेड स्टिकर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है, जो कि किसी भी एप्लीकेशन पे आपको देखने को नहीं मिलता है। तो ये सबसे बढ़िया फीचर है इस एप्लीकेशन पे। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पे कई सारे आपको यहाँ पे मिलते हैं जो कि एनिमेटेड होते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पे कई सारे इमोजी को भी ऐड कर सकते हैं। हाँ, हालांकि वो कोई एनिमेटेड नहीं है, बट आप उसे इस वीडियो एप्लीकेशन के जरिए उसे आप ऐड कर सकते हैं अपने वीडियो पे। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ऑडियो मोड। ऑडियो मोड पे आप क्या कर सकते हैं, अपने वीडियो फाइल के लिए आप एक्सटर्नल जो ऑडियो होता है यानी कि वॉइस ओवर, आप इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इस वीडियो पे कर सकते हैं। और चाहे तो आप यहाँ पे कोई सा भी इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हैं, जैसे आपका कोई साउंड इफेक्ट हो वो भी आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कर सकते हैं, या फिर कोई सा भी म्यूजिक फाइल हो आप इस वीडियो पे ऐड करना चाहते हैं तो इस एप्लीकेशन के थ्रू आप इसे कर सकते हैं। तो ये फीचर भी सभी एप्लीकेशन के लिए कॉमन है, मतलब सभी एप्लीकेशन पे आपको ये फीचर देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट जो फीचर है वो है पीप। पीप मतलब क्या, अपने वीडियो फाइल पे और भी कई सारे वीडियो फाइल हो यानी कि फोटोज़ हो, आप उसे ऐड कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो पे मैं अपने एक वीडियो के ऊपर और एक वीडियो फाइल को मैं यहाँ पे ऐड कर लिया है। छोटा आपको उसका साइज को भी आप यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं, छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो आपके मन मुताबिक है वो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी प्रो फीचर है इस एप्लीकेशन पे, जो कि किसी भी एप्लीकेशन में आपको ये फीचर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसीलिए इस वीडियो को अभी कभी लाइक कर दीजिए। नेक्स्ट जो फीचर है वो है ट्रांजिशंस। ट्रांजिशंस आपको कई सारे प्रीलोडेड आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, सभी के सभी बढ़िया बढ़िया है, आपको जो भी पसंद है आप वो ट्रांजिशन अपने वीडियो फाइल पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी काफ़ी सारे एप्लीकेशन में आपको मिल जाते हैं और ये फीचर भी काफ़ी कॉमन है। तो नेक्स्ट जो फीचर है वो है आप यहाँ पे देने मिलता है स्पीड, यानी कि आप अपने वीडियो फाइल्स का आपके ज़रूरतमंद आप उस स्पीड को एडजस्ट कर सकते हैं। यानी कि जब अगर ज़रूरत है फास्ट स्पीड की, तो यहाँ पे फास्ट स्पीड कर सकते हैं, या फिर स्लो स्पीड की स्लो स्पीड भी आप इसके जरिए कर सकते हैं। तो ये आप इसे एडजस्ट कर सकते हैं इस वीडियो एप्लीकेशन के थ्रू, जो कि सभी एप्लीकेशन पर आपको ये फीचर भी देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट फीचर है वो है फिल्टर। हम अपने फोटो पे फिल्टर को जरूर इस्तेमाल करते हैं अपने फोटो को बढ़िया दिखाने के लिए। तो सेम आप अपने वीडियो फाइल से भी फिल्टर को ऐड कर सकते हैं यहाँ पे। तो आपको यहाँ पे कई सारे फिल्टर आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएंगे, आप अपने वीडियो फाइल पे इन फिल्टर्स को आप उसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी काफी कमाल का एक फीचर है इस एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट फीचर है वो है यहाँ पे आपका एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट मतलब आप यहाँ से अपने वीडियो फाइल के ब्राइटनेस लेवल, कॉन्ट्रास्ट लेवल आप उसे एडजस्ट कर सकते हैं, जो कि आपको सभी वीडियो एप्लीकेशन पे मिल जाते हैं और इस एप्लीकेशन आपको वो फीचर मिलता है। तो बस यही थे कुछ फीचर जो कि आपको इस एप्लीकेशन पे मिलता है। सबसे बढ़िया जो फीचर है यही है कि इस एप्लीकेशन पे आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा, जो कि बाकी सारे एप्लीकेशन पे आपको वो देखने को मिलता है। चाहे बात करते हैं काइनमास्टर, वीवा वीडियो, पावर डायरेक्टर, सभी एप्लीकेशन पे आपको वो जो वाटरमार्क है वो देखने को मिलता है, जो कि आपका फोन का, जो कि आपका वीडियो का प्रोफेशनल लुक वो खराब कर देता है। तो बट इस एप्लीकेशन पे आपको कोई भी वाटरमार्क देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी के लिए भी आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं।
तो आई होप गाइस आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर आपको ये एप्लीकेशन अपने फोन में इंस्टॉल करना है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है, या फिर आप सिंपली प्ले स्टोर पर जाकर इस एप्लीकेशन को अपने फोन पे इंस्टॉल कर सकते हैं। तो बस आज के लिए इतना ही, अगर वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और आपको इस एप्लीकेशन पे कौन सा फीचर सबसे बढ़िया लगा वो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।